उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का साधन मनरेगा योजना बाहर के आए प्रस्ताव के लिए राहत देने वाली साबित हुई है। अगर अल्मोड़ा जिले की बात की जाए तो जहां करीब 40,000 से अधिक प्रवासियों को सबसे ज्यादा रोजगार मनरेगा के तहत मिला है। अल्मोड़ा में मनरेगा के तहत मिला पहला लक्ष्य पूरा कर अब प्रशासन दूसरे लक्ष्य की पूर्ति में जुटा है। वहीं जिला विकास अधिकारी के पंत ने बताया कि शासन द्वारा मनरेगा के तहत 12 लाख का लक्ष्य दिया गया था जिसको पूरा कर लिया गया है। देखिए, कोरोना काल के कारण जब प्रवासी लोग अल्मोड़ा में आए, क्योंकि अल्मोड़ा और पौड़ी में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ माना जाता है और नेगेटिव 10 की वृद्धि दर भी रही है, ऐसे में करीब 40,000 लोग यहाँ पर कोरोना काल में वापस लौटे हैं। हमें इस बार महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में 12 लाख मैंडेट का लक्ष्य मिला था 2020-21 के लिए, जिसे हमने सितंबर में ही पूर्ण कर लिया था। उसके बाद शासन ने हमारा लक्ष्य पुनर्निर्धारित किया और अब हमें 22 लाख का मैंडेट का लक्ष्य उन्होंने 31 मार्च तक दिया है, जिसमें से 17,33,000 मैंडेट हम अभी तक पूर्ण कर चुके हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम 22 लाख मैंडेट के लक्ष्य को भी पूर्ण कर चुके हैं, कर लेंगे। इसके साथ ही जिला विकास अधिकारी ने बताया कि अब शासन द्वारा जिले को 22 लाख का मनरेगा के तहत लक्ष्य मिला है, जिसमें से 17 लाख रुपए का लक्ष्य अब तक पूरा कर लिया गया है। साथ ही बताया कि मनरेगा से सबसे ज्यादा लाभान्वित बाहर से आए प्रवासी हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अल्मोड़ा से निर्मल उप्रीति की रिपोर्ट।